नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को धरती का पालनहार कहा जाता है। यूं तो लगभग भारत के हर कोने में उनके मंदिर और मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति भारत में नहीं बल्कि एक मुस्लिम देश में है। जी हाँ, इस देश का नाम है इंडोनेशिया। ये मूर्ति इतनी विशाल और ऊँचाई पर है कि आप देखकर ही हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा एक और ख़ास बात यह है कि इस मूर्ति को बनवाने में अरबों रुपए खर्च हुए हैं। बता दें कि भगवान विष्णु की ये मूर्ति करीब 122 फुट ऊंची और 64 फुट चौड़ी है। इसका निर्माण तांबे और पीतल से किया गया है। आपको शायद यकीन ना हो, पर इस विशाल मूर्ति को बनाने में करीब 26 साल का वक्त लगा है। साल 2018 में ये मूर्ति पूरी तरह बनकर तैयार हुई थी। अब इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु और दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस मूर्ति के बनने की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1979 में इंडोनेशिया में रहने वाले मूर्तिकार बप्पा न्यूमन नुआर्तो ने एक विशालकाय मूर्ति बनाने का सपना देखा था। एक ऐसी मूर्ति जिसे आज तक दुनिया में न बनाया गया हो, एक ऐसी मूर्ति जिसे देखने वाला बस उसे देखता ही रह जाए। मूर्ति बनाने का काम साल 1994 में शुरू हुआ। हालांकि कई बार बजट की कमी के चलते काम रुका भी, फिर साल 2018 में ये मूर्ति आखिरकार बनकर तैयार हो गई। बता दें कि बाली द्वीप के उंगासन में स्थित इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण करने वाले मूर्तिकार बप्पा न्यूमन न्यूआर्तो को भारत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान भी किया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।